गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड सेल्फ प्रैक्टिस 4C. मैंने आपको पूरी सेल्फ प्रैक्टिस 4C आपको मैंने होमवर्क में दी थी. बिकॉज बच्चों, जो सेल्फ प्रैक्टिस 4C था उसमें मल्टीप्लीकेशन थी और मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको करके दिखा दी थी. आई होप आप सभी ने उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं. ओके, टूडे वी विल डू सेल्फ प्रैक्टिस 4D. तो इन 4D देयर इज 5 क्वेश्चंस. वी विल डू क्वेश्चन 1 by 1 टिल 5 क्वेश्चंस. ओके, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट कंटेन 235 कैलोरीज. हाउ मेनी कैलोरीज आर देयर इन 125 सच बार ऑफ चॉकलेट. सिंपल, हम क्या करेंगे, दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. मैंने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रखा है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. यस, नाउ इट इज़ विजुअल. क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ कैलोरीज इन 1 बार चॉकलेट है 235 कैलोरीज. एंड नंबर ऑफ कैलोरीज 125 बार चॉकलेट में कितने नंबर ऑफ कैलोरीज होंगे वो हमें बताना है. तो हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपली इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास जो कैलोरीज है दैट इज 235 और नंबर ऑफ चॉकलेट्स है 125. व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 235 बाय 125, मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर रखी है तो मैंने इसको राइट डाउन डायरेक्ट कर दिया है. तो आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई भी करके देखनी है. अंडरस्टैंड? ओके, तो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. टोटल कैलोरीज इन 125 चॉकलेट या आर 29,375 कैलोरीज. ओके, दिस इज आंसर नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ स्कूल ऑर्गेनाइज अ डे पिकनिक. एक स्कूल डे पिकनिक ऑर्गेनाइज करता है फॉर 275 चिल्ड्रंस. कितने चिल्ड्रंस के लिए? 275 चिल्ड्रंस के लिए, एडवेंचर आइसलैंड के लिए. ऑन 2 अक्टूबर का बच्चों, 2 अक्टूबर को एक चिल्ड्रन पेड 310 रुपीज. जब एक बच्चे ने टिकट जो हमारी होती है एडवेंचर आइसलैंड की, 310 रुपीज़ की टिकट है, जब एक बच्चे ने 310 रुपीज़ पेड कराया टिकट के लिए, तो हमें बताना है कि टोटल जो अमाउंट है 275 चिल्ड्रंस का वो कितना कलेक्ट हुआ होगा. तो इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर रखा है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 275. जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है पिकनिक के लिए दे आर 275 एंड ईच चिल्ड्रन पे टिकट रुपीज़ 310. जो बच्चों पर बच्चों ने जो पर चाइल्ड है 310 रुपीज़ है. तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय स्कूल फॉर पिकनिक इज इक्वल टू 275 स्टूडेंट्स हैं. 1 स्टूडेंट ने 310 रुपीज़ पे करें तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 85,250 रुपीज़. हाउ मेनी रुपीज़? 85,250 रुपीज़ फॉर द पिकनिक. एट लास्ट वी विल राइट अ स्टेटमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड 85,250 रुपीज. ओके, दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज अ कार्टून ऑफ बिस्किट होल्ड 115 पैकेट्स. एक कार्टून है बिस्किट का जो 115 पैकेट्स होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है. हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स विल बी इन 250 सच कार्टून्स. 250 कार्टून्स के अंदर कितने नंबर ऑफ पैकेट्स होंगे बिस्किट्स की, ये हमें बताने हैं. तो व्हाट वी विल डू, सिंपली वी विल मल्टीप्लाई 250 बाय 115. ओके, तो देन वी विल फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज ऑन योर स्क्रीन. अ कार्टन ऑफ बिस्किट होल्ड 115 पैकेट्स. टोटल पैकेट्स ऑफ बिस्किट विल बी इन 250 सच पैकेट सच कार्टून इज इक्वल टू 115 बच्चों एक कार्टून में है और 250 कार्टून से. तो इनकी जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड? आप इनकी मल्टीप्लाई जो है बच्चों, क्योंकि आप देख ही रहे हैं सभी चैप्टर्स में हमारे पास 4-4, 5-5, 6-6 एक्सरसाइज है, तो मैं इसलिए आपको सभी की मल्टीप्लाई पहले से ही करके दिखा देता हूँ. एंड आई होप आप सभी को मल्टीप्लीकेशन जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी प्रीवियस क्लास में. ओके,
So now question number 4 and the second last question of self-practice 4D. The cost of a medium size stroller bag is ₹3,259. What is the cost of 205 such bags? तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे. कॉस्ट ऑफ वन मीडियम स्ट्रॉलर बैग रुपीज 3,259. एक बैग की कॉस्ट है 3,259 और 250 सच बैग्स की कॉस्ट निकालनी है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. बच्चों जब भी हमें किसी वन आइटम का या किसी वन चीज़ का प्राइस दिया हुआ होता है और ज़्यादा का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन. द कॉस्ट ऑफ अ मीडियम साइज, ये तो हमारा हो गया, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 1625 पेंस इन अ डे. एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वो 1625 पेंस एक डे में, वन डे में बनाती है, तो वो बच्चों वन ईयर में कितने पेंस बनाएंगे. ओके, तो हम इसमें भी नंबर ऑफ पेन मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे इज इक्वल टू 1625 एंड नंबर ऑफ पेन मैन्युफैक्चर्ड इन वन ईयर इज इक्वल टू 365 होता है वन ईयर में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. द नंबर ऑफ पेन इज 594,750 पेन्स होंगे वन ईयर में जो उन्होंने मैन्युफैक्चर करे हैं. ओके, तो बच्चों आपके 5 के 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिखा दिए हैं एंड हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो सेल्फ प्रैक्टिस 4E होगी उसे कंप्लीट करेंगे. एंड आज का जो आपका होमवर्क है, ये 5 के 5 क्वेश्चंस आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. ओके, आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप आंसर राइट डाउन कर सकते हैं. अंडरस्टूड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास.